इनके जज्बाती क्या, भारतीय जनता पार्टी के जज्बाती बयानों का नुकसान जरूर देश को होता है। आप सोचिए, अभी अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि भाई क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। भैया कल अमित शाह क्या कर रहे थे रैली में, क्या कर रहे थे? आज जब पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर सुनवाई है, वहां खड़े होकर हम किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे, ये क्या तरीका? तो सरकार ने लागू कर दिया है, वो तो लागू कर दिया तो बोलना बंद कर देना, फिर जो होगा सुप्रीम कोर्ट में देख लिया जाएगा। क्योंकि ये जाकर के जो रजाई ओढ़ के मर्द बैठे हैं और औरतें सड़क पे बिठा दी हैं, जैसे योगी कह रहे हैं, शर्म आती है योगी जी, क्या भाषा बोलते हैं। मतलब जब हिंदू औरतें जाके कोई भी अगर बाहर जाके प्रदर्शन करेंगी तो क्या ये कहना लाजमी होगा औरतों को बाहर भेज दिया? नहीं। खैर, बात ये नहीं थी, बात ये है कि देखिए, हर एक को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब हम आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, आपने तो कानून पास कर दिया, आपने तो कानून बनाए, चुप रहिए, क्योंकि आप तो शाहीन बाग जाएंगे नहीं, आप तो लखनऊ के घंटाघर जाएंगे नहीं, आप तो हैदराबाद जाएंगे नहीं, आप तो मंगलुरु जाएंगे नहीं कि जाके लोगों को कहे कि भैया ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइए मैं समझाऊं। वहां से भाग जाएंगे, वहां तो ये मुंह दिखाने नहीं जाएंगे। दिल्ली में रहते हैं शाहनवाज भाई, रहते भारतीय जनता पार्टी, सर एक भी बीजेपी या एक, आप तो लाखों मैंने तो खुद इनको तीन बार कहा है, लोग क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनके मुंह पर समझा रहे हैं। आपके मंत्री के बात में मत आइए, ओवैसी साहब के बात में मत आइए, कांग्रेसियों के बात में मत आइए, अरबन नक्सल के बात में मत आइए। आपकी नागरिकता हिंदुस्तान की मिट्टी का नुकसान है। सुमैया राणा जी, योगी जी कह रहे हैं महिलाओं को ढाल बनाकर सामने किया जा रहा है, मर्द रजाई में है, विरोध का जिम्मा सारा आप लोगों ने उठा लिया है। योगी जी, अंजना जी, योगी जी को ये महिलाएं बाहर तब अच्छी लग रही थी जब ये तीन तलाक के लिए निकल रही थी, आज वो महिलाएं बुरी लग रही हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये पाकिस्तान है क्या, मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ते हैं। मैं ये बात कह रही हूँ शाहनवाज हुसैन जी से, दूसरी पार्टीज को ये कहते हैं कि आप नाम बदल लीजिए, मैं शाहनवाज हुसैन जी से ये कहना चाहूँगी कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल करके भारतीय तानाशाही पार्टी रखती है, जिसने कानून को ताक पे रख दिया, जिसने संविधान को ताक पे रख दिया, और आज यहाँ पर जो पूरे मुल्क में उबाल आया हुआ है। कोई, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन जो तमाम वकील, तमाम JNUs, तमाम AMUs और वहाँ के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सड़क पर क्यों हैं? क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई सारी सब कुछ क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों को है, बाकी पूरे देश को इन्होंने बेवकूफ घोषित कर दिया है कि कोई समझ नहीं रहा है? सीए शाहनवाज जी, सब बेवकूफ लगते हैं क्या आपको? 30 करोड़ लोगों में देखिए, ये भारतीय कह रहे हैं आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए। हमारी पार्टी तो भारत की जनता की पार्टी है, जनता के जरिए हम चुने जाते हैं और जनता ने हमें मैंडेट दिया है, 303 सीटें दी हैं, इसलिए हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की पार्टी है। जहाँ तक सवाल है, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी नहीं, देश में इतनी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर हंगामा हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि कोई ये बता दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लाइन लिखी है, हम हटा लेते हैं, जो नागरिकता किसी की छीनने वाली है, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से, रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी का मुसलमान है उसको CA NRC से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों डराया जा रहा है? सवाल का जवाब दे दीजिए सुमैया जी, जल्दी से। शाहनवाज जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप सीए पे, कि जो कानून पहले से हिंदुस्तान में एग्जिस्ट कर रहा था, जिस कानून से लालकृष्ण आडवाणी जी नागरिकता मिली, उसमें ये मुसलमानों का पेच डालने की भाजपा को कौन सी जरूरत आप पड़ी थी? क्या मुसलमानों को चढ़ाने के लिए पेच डाला गया था? ठीक है, आप एक साथ जवाब दीजिए, शिव खेड़ा जी से भी और इनसे भी एक रिस्पांस ले सकते हैं। जब इनको NRC में ये लगा कि यहाँ पर क्या उनके सवालों में दब है, क्या इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए? 15 लाख गैर मुसलमान निकल गए तो इनको CA लाना पड़ा। ठीक है, शिव खेड़ा जी, जी मेरा कहना ये आप देखते हैं इनकी गलत फहमी है, CAA इस मुखालते से निकल जाए भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, नहीं, CAA 70 साल पहले आना चाहिए था, 70 साल के बाद आया है, और वो आया है क्योंकि आज की सरकार कमिटेड है एक चीज, सत्ता, ये CAA जो है कानून है, ये एक ह्यूमन राइट्स एक्ट है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स इस वजह से है, जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे,
इन बांग्लादेश पाकिस्तान और दूसरे जगह में वही लोग आए हैं यहाँ पे। आप इसका उदाहरण ये है कि जब आज़ादी के टाइम 47 में 22% नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी थे, हिंदूज क्रिश्चियंस वगैरह पाकिस्तान में, आज वहाँ पे सिर्फ 1% रह गए हैं। बांग्लादेश में 30-35% थे, आज 5% से कम रह गए हैं। आप एक बात बताइए कि 30% एक देश की जनता गायब हो गई है एकदम वहां देश से, वो क्या हुआ, उनको कन्वर्ट कर दिया, मार दिया, किल कर दिया, किडनैप कर दिया, भाग भगवा दिया। आई मीन इससे बड़ा जेनोसाइड और क्या हो सकता है।